एक चौंक दे उत्ते लाल लाइट दे उत्ते ट्रैफिक खड़ा हुंदा और वो ट्रैफिक दे विच एक रेड़ी वाला बंदा भी खड़ा हुंदा है, गरीब जा जिहड़ा के लोहे नू ढो रहा हुंदा है, पसीनो पसीन हो रहा है। इस तरह लगता है कि वाकई अपनी गरीबी ढोंदा पिया। तो जदों हरी लाइट हुंदी है सानू सारिया नू बहुत काली पै जांदी है, सब एक दूजे तो अगे निकलना चाहते हैं फटाफट। इस चक्कर दे विच एक जैग्योर वाला अगे निकलता है और काली काली दे विच ओ जड़ा ठेला हुंदा है उदे उत्ते लोया पिया हुंदा है, उदियां पत्रियां जड़ियां ने ओ जैग्योर नू वज जांदियां। हुण इन्नी वड्डी गड्डी ब्रांडेड गड्डी जैगुअर नू वजी ते नैचुरली नुकसान जैगुअर दा होना, ठेले वाले दा ते नुकसान होना नहीं। लाइट सी, जैगुअर फटाफट अगे निकल गई ते अगे जाके रुक गई, ठेले वाले दियां अखां दे विच आंसू आ गए ते पिछे खड़ा बंदा जिन्ने के ऐ गल नू ऑब्जर्व कीता उन्हें मन च अपने हिसाब लाया कि अज ते ऐ ठेले वाले दी खैर नहीं, पता नहीं इनू किनिया क पैनिया ते एदा की हशर होना है। ते ओ ठेले वाला भी डरदा डरदा हौली हौली चौंक पार कीता ते अगे वो जैगुअर वाला बंदा खड़ा सी, वो फटाफट अपनी गड्डी चो निकलिया। पहले उन्हें सारा असैस किया मेरा नुकसान कितों कितों होया, नुकसान काफ़ी तिखियां लोहे दियाँ सीगियां वजियां चंगी तरह। तो जदों ठेले वाला पहुँचया वो कोल घबराया होया अखा च आंसू, तो जैगुअर वाला पुछदा उन्हों कुछ, तो जड़ा बंदा पिछे आ रहा सी उन्हों इस गल का एहसास सी कि हुण इस बंदे का हशर बुरा होना है, या इहदे नाल गल वत्ती होएगी या मार पएगी या कुट पएगी या इहदा मजाक उड़ाया जाएगा। पर होया वो नहीं जो उन्हें सोचा सी, होया बिल्कुल उल्ट। वो जैगुअर वाले ने और रेड़े वाले नू पुछया कि भाजी तुहाडा कोई नुकसान तो नहीं होया, अखा चो दियां आंसू सी। वो कहिंदा माफ़ कर दियो मैनू, मेरा कदा नुकसान होना है, तुहाडी गड्डी इन्नी महंगी है, तुहाडी गड्डी दा नुकसान होया होना, मेरा तो लकड़ दा ठेला वै, वध तो वध लकड़ी टुट जाएगी होर की नुकसान होना। तो जैगुअर वाले ने थोड़े जे पैसे कढ के उन्हों दिते ते उन्हों भेज दिते, ते जैगुअर वाला भी अगे चला गया ते ठेले वाला भी अगे चला गया। ते जिहड़ा इंसान है सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा सी, वो एक्सपैक्ट नहीं सी ऐ कर रहा, तो जानना चाहता सी कि जैगुअर वाले ने इस तरह क्यों किया। उन्हें फॉलो किया, इशारा किया, तो जैगुअर नू इशारा करके खड़े कर लिया। तो कहिंदे भाजी जे गुस्सा ना करो तो एक गल पूछा कि जो जमाना चल रहा है या जो अजकल दा रिवाज है कोई होर हुंदा ते ठेले वाले नू फड़ के कुटदा, गाली कलोज करदा, मजाक बनांदा, ते तुसी ते उन्हूं पैसे दे के तोड़ दिता है। जैगुअर वाला कहिंदा है कि कदी मैं भी इन्हां रिक्शे वालियां चों ही उपर उठिया वा, तो मैं रिक्शे वालियां दा ठेले वालियां दा दर्द समझदा वा। तो दूसरी गल, जिस परमात्मा ने मैनू इस गड्डी दे विच बहन दी रहमत कीती है, मैनू यह दर्जा दिता है, उन्हें मेरे ते यह भी कृपा कीती है कि जे मेरी गड्डी टुट जाती है तो मैं उस गड्डी नू ठीक भी करा सकता वा। दूसरी गल, जे
मैं उस वेले गुस्सा खा के कुछ मार कुटाई करता या गलत शब्द बोलता। अक्सर असी अंडर दी सर्कमस्टांसिस गुस्से च भर जाने, ठीक है। तो उहदे नाल मेरी गड्डी तो ठीक नहीं सी होनी, रादर जे वो इंसान एक गरीब बंदा मैनू कोई बददुआ दे जांदा तो शायद वो बददुआ मेरे नाल हमेशा लगती। सो दिस इज हाउ वी नॉर्मली डू नॉट रिएक्ट। वी नॉर्मली रिएक्ट असी क्रोध नाल भरे होंने ते गुस्सा साडा फस्ट रिएक्शन हुंदा। माइंड इट, ईवन जे असी उस कैटेगरी चो नहीं भी उठे कि मान लो कि असी भी कभी रिक्शे वालियां वाली कैटेगरी दे विच सी, मीन्स कि वी वर पुअर इनफ एंड टूडे वी आर गुड इनफ दैट वी कैन अंडरस्टैंड दोज इमोशन। लेट अस से कि असी उस कैटेगरी चो भी नहीं आए, वी आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज। ईवन दैन एक गरीब बंदे दी, एक लाचार बंदे दी, एक मायूस बंदे दी प्लाइट नू समझन दी कोशिश करनी चाहिए है। वाए क्यों? क्योंकि जिस धर्म दे नां दे उत्ते असी हर वक्त अपने आप नू वंडिया होया है। माइंड इट, जिस धर्म दे नां दे उत्ते असी अपने आप नू सारा दिन फॉलो च रखते हैं, वो धर्म जेड़ा है ना वो दया ते खड़ा। जे तुसी बाणी पढ़ते हो तो बाणी जपजी साहब की पंक्ति जेड़ी है ना, तौल धर्म दया का पूत, उहदे च दस्या ऐ गया कि जेड़ी धरती पुराने जमाने च एक गल मनी जाती सी ना कि धरती बैल दे सिंगा ते खड़ी है, तो वो बैल केड़ा है? वो तौला बैल है। तौला कहिंदे चिट्टे बैल नूं, कि यह धरती जिहड़ी है ना काले बैल दे उत्ते नहीं, चिट्टे बैल तौले बैल दे उत्ते खड़ी है। तो वो तौला बैल जिहड़ा है वो किस चीज़ नूं रीप्रजेंट कर रहा है? वो दया नूं रीप्रजेंट कर रहा है। जिहड़ा तौला बैल है जिहदे उत्ते धरती खड़ी है वो तौल धर्म दया का पूत, वो दया का पुत्र है। सो जिहड़ी अज धरती स्टेबल है ना वो सिर्फ दया के सिर के उत्ते खड़ी है, और वो कुछ बंदे जिन्हां दे अंदर वो कंपैशन वो सिंपथी है वो है धरती नूं संभाल के बैठे हुए ने। दूसरी गल जिहड़ी असी कहने आ कि तुसी बाणी पढ़ो तो तुहानूं इह गल समझ आ जाए कि बाणी जिन्नी भी लिखी गई है या जो असी सुनते हैं तो बाणी दे विच बार बार जिहड़े वर्ड्स आते हैं ना वो वर्ड्स आते हैं भाई रे प्रीतम प्यारे, उहदे च कदी नी तू नहीं कहा जाता, ठीक है। तो एक बड़े प्यार नाल अदब नाल बाणी नूं प्रनाउंस किया गया है एक दूजे नूं कहन लई, तां जो सानूं इस गल की समझ आवे कि जिहड़ा धर्म है ना तुसी उन्नू उदों तिकन नहीं पा सकते जदों तिकन के तुहाडे अंदर प्यार नहीं है। और परमात्मा लई प्यार होना दा मतलब है परमात्मा कित्थे हुंदा है? परमात्मा साडे अंदर ही वसदा है। जे तुसी किसे भी इंसान दे विच उस परमात्मा दे उस रूप नू नहीं देख सकते इहदा मतलब तुहाडी पॉसिबिलिटी कदी भगवान नू मिलन दी है ही नहीं है, क्योंकि जिहड़ा भी तुहाडे सामने खड़ा है ना जिहदे नाल तुसी गलबात कर रहे हो वह परमात्मा ही है। और बाणी च लिखी है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पावे। और दूसरी गल जिहड़ी असी अपनी लाइफ च जे परमात्मा नूं पाना है धर्म नूं जे सोचदे हो कि असी धार्मिक हाँ तो फिर गुस्से नूं भी छड्डना है, क्योंकि गुस्सा मन ना हंडाए, ते जे मन नूं हंडाया ते सारे जिहड़े देही दे रोग हुंदे आ ना उह सारे काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे रोग हुंदे आ। और जे गुस्सा मन नूं नहीं हंडाओगे ते देही रोग ना लगे ही पल्ले सब कुछ पाए,
सब कुछ तुहाडे कोल साबत दा साबत रहेगा. सो नेक्स्ट टाइम यू कंसिडर यूअर सैल्फ डैट यू आर बीइंग रिलीजियस, तुसी वाकई धार्मिक हो, तो अपने आप नू दो सवाल पूछना, एम आई कंपैशनेट, सेकंड एम आई अफेक्शनेट. जे ए दोनों चीज़ां तुहाडे अंदर हैगियां तां हो सकता है तुसी धार्मिक होवो, पर जे इन्हां दोनों की कमी है, जे किसी की किसी गलती नू देख के भावें जाती हो गई है, तो जे घसुनो घसुनी होना है, गालो गाली होना है, तो फिर तुसी धर्मी बिल्कुल नहीं. तो जे किसी नू देख के तुहाडे अंदर प्यार नहीं उमड़दा, तो फिर भी तुसी धर्मी. सो दिस इज सो दीज वर द टू बानी दियां दो तुक्कां ने कि गुस्सा मन ना हंडाए, आंदा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, पर यही पंज चीज़ां नू असी पंजे इन्हां नू पंजां नू चोर कहा जाता है. यही पंजे चोर ने साडे काम क्रोध लोभ मोह हंकार. और असी गल बार बार कीती है कि इन्हां नू किसी भी इंसान दे विच इन्नी कपैसिटी नहीं हैगी कि असी इन्हां चारां चोरां दे उत्ते अपने आप वस पा सकीए. इन्हां नू वस पाउण लई सानूं उस हायर एनर्जी की मदद लैनी पैंदी है. माने कि तुसी जिस भी हायर सोर्स नूं, भावें तुसी उन्हूं यूनिवर्सल एनर्जी कह लो, भावें तुसी उन्हूं देवी देवते कह लो, भावें तुसी उन्हूं अकाल पुरख कह लो, भावें तुसी उन्हूं वाहिगुरु कह लो, यू हैव टू प्रे टू दैट हायर एनर्जी कि परमात्मा ऐ मेरे बस की चीज़ नहीं है, मेरे च इन्नी हिम्मत पा, मैनू इन्नी हिम्मत दे, या मेरा काम क्रोध लोभ मोह हंकार नू आपे विच रख. किसी भी इंसान दे विच छड़ के देवी देवत्यां दे विच एनर्जी नहीं है. एडे एडे वड्डे देवते ब्रह्मा जी अपनी बेटी दे काम दे विच पै गए सी, जिदे करके शिव जी ने उन्हां दा सिर नू कट्टिया सी, ठीक है. ऐसे तरह ऋषि विश्वामित्र बारे सब नू पता है कि उन्हां दे भी जिहड़े फॉलोअर सी कि उस तो बाद उन्हां नू मनना बंद हो गए सी कि सारी उम्र तपस्या करन तो बाद, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल. ऐ सानू हायर फोर्सेस नाल यूनिफाइड हो के असी इन्हां नू कंट्रोल कर सकते हैं. साड़ी अपनी कोई औकात नहीं है कि असी इन्हां चीज़ां दे उत्ते कल्या कंट्रोल कर सकीए. ईवन जदों भी तुसी इन्हां चीज़ां च पैंदे हो, किसी शराब च, किसी ड्रग्स दे विच, वैन एवर यू आर इन ए रीहैबिलिटेशन और फॉर योर लाइफ लोंग, हमेशा असी एक गल करते हैं कि सवेरे उठ के तुहाडे मूँह दे विच सब तो पहला लफज जिस परमात्मा नूं तुसी मनदे हो उहदे अगे अरदास होनी चाहिए है कि वाहिगुरु मेरा अज दा दिन सुखावी करी और मैनूं ऐस गलत आदत तों बचा के रखी और मैनू छुटकारा दई. माइंड इट, दिस विल गिव यू पावर, यू विल फील इनकरेज दैट ईवन इफ यू फील लाइक कोई एक अनदेखी एनर्जी होएगी जिहड़ी तुहानू उस पासे तो दूर ला जाए. सो जिहड़ियां एनर्जीज तुहाडे आस पास हैगियां वै उन्हानू यूज़ करिया करो. हायर एनर्जीज नू नैवर फील योर सैल्फ अलोन. असी कोई भी देखो जदों बच्चे छोटे होंदे आ असी अपने बच्चों कभी भी कल्ले घूमन नहीं भेजते. गलियां बाजारां दे विच असी उन्हां नू अस्कॉट करते हाँ. जे असी आप ना जा सकीए असी अपने नौकरां नू अपने उन्हां दे गार्डियंस नू नाल भेजते हाँ कि कितें साडा बच्चा क्रॉस करन लग्या गड्डी थल्ले ना आ जाए. ऐसे तरह असी एक परमात्मा दे बच्चे हाँ, पिता परमात्मा दे बच्चे हाँ, उन्हें सानू इत्थे बिल्कुल भी कल्या नहीं भेजा होया. पहला तो वो एक निराकार रूप दे विच साडे नाल है, राइट, एंड दैन ही इज़ विद अस विद सो मैनी एनर्जी फॉर्म, जिदे कि मैं कोई डिटेल्स इहो जी कोई गल नहीं करांगी, बट स्टिल
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਨੋਇੰਗ ਗਾਰਡੀਅਨ ਏਂਜਲਸ ਏਂਜਲਸ ਫੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਫੇਰੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਏਂਜਲਸ ਕਿੰਨੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਏਂਜਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੀਟਿਡ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਫੀਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਵਰਿਡ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਪਿਕਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਫੋਨ, ਪਲੀਜ਼ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਯੂ ਕਾਲ ਯੂਅਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਏਂਜਲਸ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਵਿਲ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਕਾਲ ਦੋਜ਼ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮ। ਯੂ ਜਸਟ ਪ੍ਰੇ ਟੂ ਯੂਅਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਏਜੰਟਸ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਇਨ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ 5-10 ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੋਮ ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ, ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਹੇਅਰ, ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦਿਸ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਜ਼ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਇਨ ਟੂ ਡਿਟੇਲ, ਦੇ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਸਕ ਮੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਟੂ ਫੋਲੋ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਟੂ ਰੀਡ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਰੀਡ। ਬਟ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ, ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਆਕਾਸ਼, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਪਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧਰਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਮੋਸਟ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸਕੂਲ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਸਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਲੈਸਨ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਦੇ ਆਰ ਬੀਂਗ ਸੈਂਟ ਟੂ ਦਿਸ ਸਕੂਲ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਬੋਡੀਨੇਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਨੋਟ ਵਿਨ ਦਿਸ journey without the help of those angels. Or so whenever you feel like you are alone, apne parmatma nu ardas karya karo and call those energies, you will be supported by those energies, right? It will make you feel good. Anything you can ask? Very good. It was off the point. Main point aisi ke badeyan diyan gaddiyan vajdiyan, jadon vajdiyan ਆਪਣਾ ਐਂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਮਾਈਂਡਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਿੰਗਸ ਹੈਪਨ, ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈਪਨ। ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ? ਮਾਈਂਡਡ 90% ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਡਾਊਨ ਜਾਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਦੁਆ ਦੇ ਦੇ, ਮਾਈਂਡ ਇਟ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਦੁਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਦੁਆ ਵੀ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਬਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ।
ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੈਗੁਆਰ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਮਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਇਟ ਆਈ 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 ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 90% ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੈਗੁਆਰ ਜਾਂ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 90% ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਡ ਵੈਲਿਊ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾਂਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ।